नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने इस पीछे वाले कमरे का मेकओवर करके आप सबको दिखाने वाली हूँ। ये जो मेरा कमरा है वो टिन शेड का बना हुआ है और घर में जितनी भी बेकार चीज़ें होती हैं उसे हम इसी कमरे में रख देते हैं। ये जो मेरा कमरा है वो बाहर की तरफ खुलता है जहाँ काफ़ी ग्रीनरी है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, इस जगह पर मैंने अमरूद, अनार और जामुन के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। मेरे इस कमरे में सामान तो बहुत है लेकिन मैं फिर भी इसे ऐसा बनाना चाहती हूँ जहाँ बैठने के बाद मुझे ये जो ग्रीनरी है वो दिखे। किसी भी जगह को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप पूरे स्पेस को खाली करके अच्छी तरह क्लीनिंग करें। पर इस कमरे में काफ़ी भारी भारी सामान है जो मुझसे हिल भी नहीं सकता। यहाँ मैं अपनी आंखों के सामने जो भी ऐसे सामान हैं जो यूज़लेस है उन्हें बाहर फेंक रही हूँ। मैंने इस बॉक्स को यहाँ से हटाने की कोशिश की पर ये मुझसे हिला भी नहीं। ये मेरी सासू माँ का बॉक्स है, इसमें कुछ लोहे के टूल्स वगैरह रखे हुए हैं जिसे मैं ऐसे ही क्लीन कर दूंगी। यहाँ जो आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है वो इसी शेड में चिड़ियों ने घोंसला बनाया है। मैं दिखा नहीं रही हूँ कि वो डर जाएंगी। यहाँ सामने सामने दो बेड लगे हुए हैं, मैं इस बेड को हिला भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया कि सबसे पहले इन दोनों बेड की क्लीनिंग की। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनका यूज़ बहुत कम है पर उन्हें डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है। बेड के नीचे भी दो तीन कार्टून रखे हुए हैं जिसमें बहुत सारे सामान हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सबको फेंक दूं लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती हूं क्योंकि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें घर में ज़रूर होती हैं जो हमारे नज़र में फालतू होती हैं लेकिन बाकी मेम्बर्स के लिए वो यूज़फुल होता है। जैसे इस कमरे की क्लीनिंग करते करते मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिसे मुझे लगा कि मैं इसका DIY कर सकती हूं और मैंने उसे रख लिया। इस बेड पर मैं उन गद्दों को रख रही हूँ जो हमारे यूज़ के नहीं हैं या बहुत ही कम, कभी किसी गेस्ट के आने पर ही यूज़ होते हैं। तो मैंने इसे यहाँ डाल करके और इस पर बेडशीट डाल दिया। सामने ये जो लकड़ी का रैक है इसे भी मैंने अपने हाथ से बनाए हुए एक टेबल क्लॉथ से ढक दिया है जिसकी वजह से ये थोड़ा इसका लुक थोड़ा अच्छा हो गया है। और इसके ऊपर अपनी बेटी के डॉल को डाल दिया। मेरे पास कुछ प्लांटर है जिसे मैं ऊपर में यहाँ पर हैंग कर दूंगी। ये थोड़ी ऊंचाई पर है तो हैंग करने के लिए मैंने इस चेयर का सहारा लिया। और देखिए, प्लांटर लगा देने से ही इसका जो ये कॉर्नर है वो काफ़ी प्यारा लगने लगा है। और हाँ, इस टिन सेट पर मैंने चारों ओर मेरे जो पुराने कर्टेंस थे उसे लगा दिया। ऊपर मैं बहुत सारे प्लांटर्स को हैंग करने वाली हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास में यही दो तीन प्लांटर है जिसे मैं लगा दूँगी। और ये देखिए, ये जो टेबल है उसे मैं कपड़े से कवर कर दूँगी। यहाँ देखिए, मेरा ये वही कमरा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं बाहर से ये कारपेट ला करके और नीचे डाल रही हूँ। कारपेट लगने के बाद मैंने इसे पूरी तरीके से सेट कर लिया। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। और ये है मेरे इस टिन शेड के कमरे का फाइनल लुक। ये देखिए, ये सामने से बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस प्लांट को मैंने कल ही लगाया है तो इसी मैं यहाँ पर टेबल पर डाल दूँगी। इस रूम में मैं बहुत सारे जो इंडोर प्लांट्स है उसको लगाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये टिन शेड का कमरा पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा।